होली का त्यौहार फागुन पूर्णिमा को मनाए जाने वाला हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। भक्त और भगवान के बीच की डोरी इसी दिन और ज्यादा मजबूत हुई थी। असुर राज हिरण्यकश्यप की लाखों नाकाम कोशिशों के बावजूद जब उसकी बहन होलिका को अपने भाई का दर्द देखा ना गया, तब भक्त प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु के सबसे बड़े उपासक थे, उन्हें मारने के लिए जलती हुई अग्नि में चादर ओढ़कर, जो कि भगवान ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें मिली थी, इसकी योजना बनाई। लेकिन वह भगवान ही क्या जो भक्त की मदद के लिए ना आए। भगवान विष्णु जी ने हवाओं का ऐसा रूप किया कि चादर होलिका से उड़कर भक्त प्रहलाद के चारों तरफ निपट गई और क्षण भर में ही होलिका भस्म हो गई। इस तरह हम प्रत्येक वर्ष होली का त्यौहार धूमधाम से मनाने लगे। हालांकि होली मनाने का वैज्ञानिक कारण और भी ज्यादा प्रभावशाली है। इसके फायदे हमारे पूर्वजों को पूरी तरह से पहले से ही पता थे। शीत ऋतु के खत्म होने के साथ साथ गर्मियों की शुरुआत में कई प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया और कीटाणु होते हैं जो हवाओं और वायुमंडल के साथ साथ हमारे पास पहुंचकर हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जगह जगह पर आग जलाकर होलिका उत्सव बनाने से वायुमंडल में उन कीटाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है जो कि हमारे चारों तरफ आकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जगह जगह पर आग जलाकर होलिका उत्सव मनाने से वायुमंडल में ही इन कीटाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है और आग के चारों तरफ घूम घूम कर हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में जो ऊर्जा मिलती है जिससे इन बैक्टीरिया और कीटाणुओं का हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता। दोस्तों, होलिका उत्सव बनाने का आपको भक्ति और वैज्ञानिक फैक्ट कैसा लगा? अगर आप यूट्यूब पर हैं हमें सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हैं हमें फॉलो करें। लेकिन आज के समय इस नई पीढ़ी ने हमारी पुरानी मान्यताओं को भुलाकर होली के त्यौहार को एक नशे के त्यौहार में तब्दील कर दिया है। होली का मतलब दारू का त्यौहार, होली का मतलब नशे का त्यौहार। हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और अपने हिंदू समाज को जागृत करें। अपने लिए ना सही, कम से कम अपने उन बच्चों के लिए, माता पिता के लिए ये जरूर करें। नशे में आप अपने और पराये को नहीं देखते, अपने माता पिता और उनकी इज्जत को ताक पर रखकर नालियों और रोड पर इधर उधर पड़े रहते हैं। कभी सोचकर देखिएगा उन्हें कैसा लगता होगा। और इन सब बातों से हटकर ना जाने आप होली के अगले दिन देखेंगे तो सैकड़ों ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें हजारों लोगों की जान केवल और केवल नशे की वजह से गई होती है। तो प्लीज खुद सुधरे और औरों को भी सुधारें। मैं गौरव देवल पूनपुर वाला आपसे हाथ जोड़कर नशा मुक्ति के लिए अपील करता हूं और निवेदन करता हूं। इस होली नफरतों के रंग के ऊपर लाल हरे गुलाबी रंग को लगाकर अपने और औरों की जिंदगी को हसीन बनाएं। और हां, थोड़ी सी खरीदारी अपने पड़ोस वाले लाला जी, अपने पड़ोस वाले चाचा जी और नुक्कड़ वाले चाचा से जरूर करें, क्योंकि होली और आपके त्योहारों का चंदा यही लोग देते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, बिग बाजार जैसे शोरूम वाले नहीं। आपके और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।